हाँ जी नमस्कार जी, पम्मा कार एसी मजारा कार की प्रोग्रामिंग ऑटो इलेक्ट्रिशियन। ये हमारे पास कुछ रिमोट पड़े हैं, अगर किसी भाई को चाहिए इसमें देख के अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये टू व्हीलर के हैं, कुछ चाबियाँ हैं, ये अपनी गाड़ी में देख के लगवा सकते हैं, कॉपी करवा सकते हैं। आपसे आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, ठीक है जी। और अभी हमने ये आज ब्रेजा 2019 मॉडल का हम एसी का कूलिंग कॉइल और ये ब्रेक का है कूलिंग कॉइल, ये वाला इसका कूलिंग कॉइल लीक हो गया है, हीटर कूलिंग कॉइल लीक हो गया इसका ब्रेजा का। और दूसरा अभी चेक करेंगे, वो भी लीकेज है, तो उसके बाद कॉइल अभी बाहर निकाल के एवेपोरेटर कॉइल बाहर निकाल के हम उसको चेक करेंगे कि वो भी लीक तो नहीं है। एसी का ही प्रॉब्लम है, हीट इसका रेडिएटर का पानी भी अंदर जा रहा था, तो ये हीटिंग कोयल है, ये यहाँ से लीक है, तो इसको हम चेंज कर रहे हैं सुब्रोज का ओरिजिनल, ठीक है जी। तो ब्रेजा 2019 मॉडल, इसके लिए हमें क्या करना है, बाहर से ये खोलना है, वाइपर ब्लेड खोल के ये मोटर थोड़ा इधर हटा लेना, उसके बाद एक बोल्ट, दो बोल्ट, तीन बोल्ट और वो चार बोल्ट सामने, और एक बोल्ट जो यहाँ है इसके फिल्टर के पीछे है, इसके पीछे पीछे ये खोलना है, और ये दो पाइप खोलना है हीटर कॉइल के और दो पाइप होती है एसी के खोलना है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, बैटरी वाल खोल लेना, ये एसी है इसका, ये डाउल है, इसमें डाउल में एसी फंस जाता है, उसके चार वोल्ट ये बाहर से हमने बता दिया आपको, एक दो तीन चार पाँच और एक नीचे यहाँ पे, ये यहाँ ये अंदर से 10 नंबर का नट लगा इसको ये साइड में, ठीक है जी। और उसके बाद ये वायर खोलनी है, पूरा ये वायर खोल लेना, ये चार पांच प्लग है, ये प्लग है, ये ग्राउंड है, ये खोल के दो वोल्ट ये खोल लेना, दो वोल्ट ये खोलना, ग्राउंड जहाँ से लगा भाई, जब तक पक्खा नहीं चल रहा तो कर ही जाओ, मैं जरा वीडियो बना रहा, जब पक्खा चल जाएगा फिर मैं बताऊँगा। ये पानी ना उबाला मारना है ना, ये एंटीना हो गया, तो इधर भी एक ग्राउंड लगा हुआ है, यहाँ नीचे ये ग्राउंड का वायर खोल देना, ठीक है। इसके बाद ये दो वोल्ट यहाँ से खोल देने हैं, दो वोल्ट ये खोलने हैं, ये हमारे उसके है स्टीयरिंग मोटर की, ये दो कनेक्टर ये जो भी है खोल देने हैं, ठीक है जी। और स्टीयरिंग के चार वोल्ट है, दो यहाँ पे है ये वाले, एक इधर है ये साइड में, दो यहाँ है वो वाले, ये वाले, ये खोल के इसको डाउन कर देना है। तो इसको मैंने तो ये पूरा हारने से इसका अलग कर दिया है, अलग कर दिया है, तो इसके अंदर इधर एक ये बोल्ट है, हाँ ये यहाँ से आता है, ये देखिए यहाँ ये बोल्ट यहाँ आता है, ये वाला यहाँ से, ये यहाँ से इस बोल्ट का यहाँ लिंक है स्टेयरिंग के पास, ये खोलना पड़ता है, बाकी नीचे जो स्विफ्ट की तरह है सेम है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी ये एसी हम रिपेयर करके इसका कूलिंग कॉइल और वो डालेंगे, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है जी। इसका कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरे को लगा, बाकी ये कौन सा खोलना पड़ता है उसका ऊपर का तो वीडियो सबको मालूम ही है कैसे खोलना है, ठीक है जी। तो ये अभी आज हम डालेंगे, ओके जी, नमस्कार।